ये जो भैंस होता है नीचे में, ये भैंस को इसको बोलते हैं भैंस। ये टू हो गया यहाँ पे, यहाँ टू थ्री प्लस। नमस्कार दोस्तों, पातर टॉक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोई सा भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे आप फिगर देख रहे हैं इस तरह से, अगर आपका पास डायग्राम बना हुआ है और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितना ट्रायंगल मौजूद है, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम आपको ये चीज सिखाने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक सिंपल सा ट्राइंगल है, तो आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेरा एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया। इसको भी आप आराम से गिन सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कितना ट्राइंगल हो जाएगा। ये जैसे यहाँ एक हो गया, ये दो हो गया और ये एक बड़ा सा, एक अगर जो ये जो दिख रहा है आपको बड़ा सा, ये बड़ा सा एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका तीन ट्राइंगल, मतलब ये जो बड़ा सा एक ट्राइंगल हो गया ये आपका एक तीन ट्राइंगल, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो इस पर आपको तीन ट्राइंगल देखने को मिलेगा। लेकिन सपोज अगर इस तरह से डायग्राम बना हुआ है या इस तरह से डायग्राम बना हुआ है या फिलहाल इतना बड़ा बड़ा अगर कुछ लाइनिंग आपको दे दिया जाएगा, तो ऐसे में आप कैसे पता कीजिएगा कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल मौजूद है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आप सही जगह पे आए हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक्स को आप ध्यान समझिए, समझिएगा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये जैसे ये जो आप ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, इसमें सबसे पहले ये जो बेस होता है नीचे में, ये बेस को देखिएगा, इसको बोलते हैं बेस। ये जो नीचे का लाइनिंग है इसको सब में होगा, ये इसमें भी होगा ट्राइंगल का बेस, इसमें भी होगा ट्राइंगल का बेस, ठीक है, इस पर भी मौजूद होगा ट्राइंगल का। तो ये बेस को सबसे पहले आपको देखना है। इस बेस को देखने के बाद इस बेस में जो गैप किया हुआ टोटल उसको आपको देखना, जैसे ये एक हो गया, ये टू हो गया, यहाँ पे यहाँ थ्री हो गया और यहाँ पे फोर हो गया। अब ये वन टू थ्री फोर जो है ना, आप इसको प्लस कर दीजिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ साइड में बना के दिखा देता हूँ। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, आप सबको काउंट कीजिएगा कितना हो गया, यहाँ पे तीन तीन छः और छः चार दस, मतलब यहाँ पे हो गया टोटल। आप सीधा बोलिए कि इसके अंदर कितना ट्राइंगल मौजूद है, भैया दस ट्राइंगल मौजूद है इसके अंदर, सिंपल सा बात में आपको, ठीक है, ये दस ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद है। उसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये जो आप सेकंड नंबर का ट्राइंगल देख रहे हैं, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर का ट्राइंगल, ये तीन नंबर का ट्राइंगल और ये हो गया चार नंबर का ट्राइंगल। तो ये दो नंबर का ट्राइंगल में, इसमें भी आप ऐसे काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसमें भी देख लीजिए, सबको प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया आपका 15 ट्राइंगल। अब सबको प्लस करना है, तो ये इतना ही ट्रिक आपको आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आपको मैं चार टाइप यहाँ पे बताने वाला हूँ, कहीं मत जाइएगा, आप पूरा ध्यान से सीखिएगा, कहीं भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप ये दो ट्राइंगल हमको काउंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का कितना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, जैसे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, तो ये दो ट्राइंगल हो गया, थ्री नंबर और फोर नंबर। ये आप अपना प्लस करिए और काउंट करके हमें कमेंट में बताइए कि इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर कितना ट्राइंगल है। चलिए वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इस ट्राइंगल का जो है 21 है इसका आंसर, ट्राइंगल नंबर फोर का, और ट्राइंगल नंबर जो फाइव है उसका आंसर 28 है। आप भी काउंट करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये जो टाइप है, ये टाइप मैंने आपको वन बताया आपको, ठीक है, ये टाइप जो है आपका वन नंबर है। ऐसे ही आपको यहाँ पे मैं चार टाइप के बारे में बताने वाला हूँ, टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर। तो चार टाइप आपको अलग अलग ट्राइंगल देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टाइप टू ट्राइंगल के ट्रिक्स में।